नए साल 2023 में आपके किचन का बजट गड़बड़ न हो, इसकी पूरी तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। किचन के बजट को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले तेल और दाल पर सरकार की विशेष नजर है और इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए बाजार में इन खाद्य उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुरू कर दिए हैं उपाय। इसके लिए सरकार ने कम आयात शुल्क पर पाम तेल मंगाने की छूट दे दी है तो दालों के आयात के लिए फ्री इंपोर्ट पॉलिसी को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया है और इसके अलावा कपास के आयात पर शुल्क भी खत्म कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को काबू में रखने के लिए दिसंबर 2021 में आयात शुल्क घटाया था और इसकी अवधि 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने इस अवधि को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है और इस फैसले से रिफाइंड पाम तेल का आयात कम टैक्स पर किया जा सकेगा। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क 19.25% से घटाकर 13.75% कर दिया था। इससे भारतीय कारोबारी सस्ते दरों पर पाम तेल का आयात कर सकेंगे और बाजार में भी इससे कीमतों पर दबाव नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।